गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम करता हूँ आपको नए वीडियो में। और अभी मैं हूँ मुंबई में, और आज मुंबई में मेरा आखिरी दिन तो नहीं, कुछ मिनट रह गए हैं, क्योंकि अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और मैं निकल रहा हूँ यहाँ से पुणे के लिए। तो सामान मेरा सब पैक्ड है और निकलता हूँ मैं यहाँ से। पहले गाड़ी में सामान रख लूँ, फिर करता हूँ आगे की बात। और अभी पुणे पहुँचते हुए मेरे को लगा कम से कम 4 घंटे, तो मैं दोपहर को 3 बजे तक पहुंचूंगा। मैं एक्सप्रेसवे पे आ चुका हूँ 30 किलोमीटर मुंबई से निकलने के बाद। अब मैं मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे हूँ। ये नवी मुंबई होते हुए, लोनावला होते हुए पुणे पहुंचेगा। तो रास्ते में मैं बहुत जगह रुकने वाला हूँ, जहाँ जहाँ मुझे अच्छा लगेगा मैं सब जगह रुकूंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि मतलब कितना खूबसूरत है ये एक्सप्रेसवे। मतलब मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। और बाय रोड, वैसे तो मैं बहुत बार ट्रैवल किया मैंने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे, लेकिन मानसून में पहली बार कर रहा हूँ बाय मतलब अपनी पर्सनल व्हीकल। वैसे तो मैं ट्रेन से या बस से तो मैं गया हूँ मानसून में। पूरे ही एक्सप्रेसवे पे जो है ना, ऐसे छोटे छोटे झरने बहुत बने हुए हैं यहाँ पर। तो मानसून से बेस्ट इस रोड पे आना कोई और टाइम है ही नहीं। मतलब आप यहाँ पर आओ तो ये रोड है तो 2 घंटे का, मतलब मुश्किल से 60-70 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे है ये, लेकिन इस पर अगर आप आराम आराम से जाओगे तो 2-3 घंटे आराम से लग जाते हैं आपको। मैं बिल्कुल नॉर्मली मुंबई से निकला और मुझे पहुंचना था पुणे। अभी बज रहे हैं 3:30 और मैं अब तक पुणे पहुंच जाता, लेकिन मैं आधे घंटे रुक गया मैकडी। और पुणे से 60-70 किलोमीटर पहले तकरीबन मैं रास्ता जा रहा है लोनावला के लिए, और मैंने गाड़ी बिना सोचे समझे अंदर ले ली, जो कि हाईवे से तकरीबन 5 किलोमीटर है अंदर लोनावला। अब मैं आया लोनावला तो मैंने सोचा करना क्या है, बात हो गया। पहली बार आया तो पता भी नहीं कुछ कि कहाँ जाना है, क्या देखना है। मुझे लिटरली 0 नॉलेज है लोनावला के बारे में, मुझे कुछ नहीं पता कि यहाँ क्या देखने वाला है क्या नहीं। तो मैंने गूगल करा, तो गूगल करके मुझे कुछ चीज़ें दिखी। एक यहाँ पर डैम है, लेक है यहाँ पर, और कुछ फोर्ट हैं। तो अभी मैं चल दिया हूँ फोर्ट के लिए, क्योंकि मुझे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स पसंद हैं। आपने पिछली कुछ वीडियोस में देखा होगा कि मेरी पिछली कुछ वीडियोस में मोस्टली वीडियोस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की हैं। तो मैंने कहा चलो, तो यहाँ पर एक लोहागढ़ फोर्ट है। मतलब फोर्ट तो काफ़ी सारे हैं यहाँ पर, लेकिन मेन फोर्ट है मतलब जो मैं जा रहा हूँ उसमें जा रहा हूँ मैं लोहागढ़ फोर्ट में। अब रास्ता काफ़ी यहाँ पर जो है वो अनस्टेबल है, कच्चा रास्ता है और वैसा कुछ मतलब रोड नहीं है प्रॉपर। तो अंदर आने के बाद 8 किलोमीटर दूर फोर्ट है। अब नई जगह है, एक्साइटमेंट भी है और थोड़ा वो भी रहता है, थोड़ा टेंशन भी रहती है कि भाई स्लिपरी रोड रहेगी, बारिशों का मौसम हो रहा है, कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा। तो चलो कोई बात नहीं, अब देखो ज़िंदगी एडवेंचर है तो एडवेंचर के साथ ही जीना चाहिए इंसान को। जब तक खतरे उठाएंगे तो पता ही चलेगा कि वैल्यू क्या है लाइफ की। बारिश बहुत ज़्यादा है तो मैं सोच रहा हूँ कि यार एक छाता और एक रेनकोट ले लेता हूँ, कुछ तो रहेगा क्वालिटी में फर्क। मतलब ये रीयूजेबल है नहीं है? रीयूजेबल है ये। तो ये ले लिया मैंने रेनकोट और ये छतरी। यहाँ से तकरीबन 25 मिनट का रास्ता बाकी है फोर्ट का। ये छतरी और रेनकोट इसलिए ले लिया मैंने, कहा यार मतलब ज़रूरत पड़ सकती है कभी भी ना, पता नहीं होता, और बारिश तो हो ही रही है। तो अगर फोर्ट पे जाना, कपड़े नहीं भिगाने, तो फिर रेनकोट तो मैंडेटरी है। तो दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ लोहागढ़ फोर्ट और अभी मतलब ट्रैक करना है ऐसे ऊपर, पार्किंग में हूँ मैं। मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ पर ये जगह इतनी खूबसूरत है और बारिश हो रही है अभी। लेकिन यहाँ पर अगर आपको आना है तो आप तब आना जब आपके पास तो 4x4 हो गाड़ी, या फिर आप इतने प्रो ड्राइवर हो कि आप इतनी खड़ी चढ़ाई पे गाड़ी चला सको। क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे थी, एक होती है रोड ऐसे, ये ऐसे थी बिल्कुल, मतलब काफ़ी थी ये है। अब मैं यहाँ आ तो गया हूँ, बारिश बहुत तेज़ हो रही है, पता नहीं है मेरे को आगे क्या करना है। तो अभी 2-3 दुकानें हैं बाहर यहाँ पर खाने पीने की, इनसे पूछता हूँ कि भाई ट्रैक करना है, कितनी देर लगेगी, कब तक पहुँचेंगे। और मैंने रेनकोट भी ले लिया और छाता भी ले लिया, तो मैं दोनों ही चीज़ें लेके चलूँगा यहाँ से। दोस्तों ये शुरू हो चुका है मेरा
लोहगढ़ का ट्रैक। मुझे नहीं पता मेरे अंदर कौन सी चूल आई थी कि मैं पुणे जाते जाते लोनावला आ गया और फिर लोहागढ़ के लोहागढ़ फोर्ट में जाने की चूल हो गई मेरे को। और यहाँ से 20 मिनट का रास्ता है ट्रैक करके ऊपर जाने का और फिर नीचे आने का। ये सीढ़ियाँ जो हैं बढ़िया होने वाली हैं। यार मेरी तो मेरी सांस तो अभी से फूलने लगी चार सीढ़ी चढ़ के, और अभी पता नहीं हज़ारों सीढ़ी हैं ऊपर जाने की। देखते हैं क्या हिसाब किताब है। भाई साहब ऐसा है कि हमें देखो बिना रिसर्च के कहीं जाना नहीं चाहिए, क्योंकि पता नहीं चलता आपको कि वहाँ तक जाने का मौका मिले या ना मिले। अब हुआ यूँ कि एक तो हमने निकलने में कड़ी देरी मुंबई से, और फिर हम यहाँ पहुँचे लोनावला तो हमने टाइमिंग चेक नहीं करे इसके। लोहागढ़ फोर्ट जो है शाम को 5 बजे बंद हो जाता है, और हुआ अच्छा ही वैसे तो, क्योंकि भाई अपनी कैपेसिटी हो नहीं रही कि हम चढ़ के जो है ना वो जा सके इतना ऊपर। तो अभी जो है चल रहे हैं सीधा नीचे, और नेक्स्ट टाइम घूमेंगे बढ़िया करके। लेकिन यहाँ तक आना भी वर्थ इट है। देखो सिर्फ फोर्ट नहीं देखा, लेकिन उसके अलावा यहाँ तक आने का एक्सपीरियंस भी किसी फोर्ट देखने से कम नहीं है, मतलब शानदार। बढ़िया बढ़िया शाह कांदा वो जिम मैगी भी इसका भी। 5 बजे बंद हो जाता है? 5 बजे सही। पूरी भजिया निपटा दी मैंने, मुझे लगा नहीं था कि मैं इतनी खा लूँगा, लेकिन हाँ बढ़िया। अभी बज रहे हैं 5:15 और गाड़ी में बैठूँ, कपड़े बदलूँ, मतलब कपड़े क्या बदलूँ, रेनकोट उतारूँ, रेनकोट उतार के थोड़ा सा गाड़ी में रिलैक्स करूँगा और फिर यहाँ से निकलूँगा पुणे के लिए। हाँ ये है कि अफसोस है मेरे को कि मैं फोर्ट नहीं देख पाया, पर अगर यहाँ तक भी नहीं आता तो और ज़्यादा अफसोस रहता, क्योंकि यहाँ तक का सफ़र भी बहुत ही अच्छा था। यहाँ पर आना ही अपने आप में एक अच्छा एक्सपीरियंस है, और ऊपर तो लाजवाब ही होगा। मतलब मैं अब ये ना मेरी हिट लिस्ट पे आ गया कि अब मुझे यहाँ पर जैसे ही मौका मिलेगा तो मेरे को पुणे, मतलब मुंबई जब भी आऊँगा मैं तो मानसून में, खास करके तो मानसून में यहाँ पर आऊँगा ज़रूर, और जितने भी और यहाँ के डैम वगैरह हैं, यहाँ के झरने हैं, सारे देखने हैं यहाँ पर आके। लेट्स गो, बिस्मिल्लाह। चलो अब ना हमने रेनकोट यूटिलाइज तो कर ही लिया है। मैं तो निकल ही गया था, लेकिन यहाँ के मौसम ने मुझे रोक लिया फिर से। और यार इतना खूबसूरत भी कोई हो सकता है क्या? तो वो है ऊपर लोहागढ़ फोर्ट, वहाँ जाना था, मैं वहाँ से उतर के आया हूँ। मौसम इतना मौसम है, आवाज़ तो आ नहीं होगी मेरी, लेकिन मौसम इतना बढ़िया हो रहा है यहाँ का कि मज़ा आ गया।
मैं पहुंच गया हूं पुणे और ले लिया मैंने होटल। होटल तो मैं हमेशा लेता हूं, उसी में रुका हूं आज भी। इस व्लॉग करते हैं एंड। बहुत मज़ा आया मेरे को यार, मतलब नई जगह देखने में इतना मज़ा आता है मेरे को आज। मतलब एक एक्चुअल में जो है खुशी मिलती है ना, मुझे वो फील हुआ आज। मतलब बहुत रेयर होता है मेरे साथ कि मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ किसी चीज़ को देख के। तो आज वही दिन था कि जिस दिन मैं कुछ देख के एक्साइटेड हुआ हूँ।